वेलकम ऑल। आज के इडियम्स और फ्रेजेस में पहला है ब्रेक द आइस, हिंदी चुप्पी तोड़ना। दूसरा विन लॉरेल्स, ख्याति पाना। तीसरा इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते ही। चौथा टेक द बुल बाय हॉर्न, साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। फिर लास्ट है नीप इन द बर्ड, पारह में ही नष्ट कर देना। अब इन पांचों को समझते हैं। पहला ब्रेक द आइस। सपोज यह एक वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। ए बी और सी किसी को नहीं जानते हैं और इस वेटिंग हॉल में बिल्कुल शांति है। कोई किसी से बोल नहीं रहा है और ना किसी को बोलने की जरूरत महसूस हो रही है, बिल्कुल शांति छाई हुई है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप है तीनों के बीच, कोई नहीं जानते हैं और कोई बोलना नहीं चाह रहा है, इसे बोलते हैं कोल्ड रिलेशनशिप। बिल्कुल ही शांति है इनके बीच और कोल्ड आइस के समान शांति हुई छाई हुई है इस वेटिंग हॉल में। अब इसमें से अगर सी बोलना शुरू करेगा, सी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो बी और या और ए को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सी का बोलना शुरू करना, बोलने का प्रयास करना कहलाएगा ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। मीरा ब्रोक द आइस। मीरा ने चुप्पी तोड़ा बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए। मीरा ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए, खुद का परिचय देते हुए चुप्पी तोड़ा। तो इस तरह से ब्रेक द आइस हो गया। नाउ विन लॉरेल्स, इसको पढ़ते हैं लॉरेल्स, और लॉरेल्स की हिंदी होती है ख्याति। हिंदी जो लिखा हुआ है विन लॉरेल्स का, तो लॉरेल्स की होती है ख्याति। अविन मतलब पाना। होता क्या है कि लॉरेल्स के साथ विन का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आपने इसके पहले पढ़ा था इडियम फाइट साई, वैसे ही यहाँ पे विन लॉरेल्स है, क्योंकि साई के साथ फाइट का प्रयोग होता है, ऐसे ही लॉरेल्स का तो विन का प्रयोग होता है। आप जानते हैं केयर के साथ टेक का प्रयोग होता है। तो टेक केयर हमारे सामने आते रहता है तो हमें अजीब सा नहीं लगता है। फाइट साई चाहे विन लॉरेल्स हमारे सामने नहीं आता तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी आ गया है और आप समझ गए हैं। तो विन लॉरेल्स का मतलब वह ख्याति पाना। अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सर्टेनली विन्स लॉरेल्स, एक कठोर परिश्रम करने वाला विद्यार्थी निश्चित रूप से ख्याति पाता है। अब अनदर थर्ड नंबर है इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, हिंदी है पलक झपकते ही। यहाँ पे ट्विंकलिंग शब्द को समझना हमें जरूरी है। पलक झपकता है हमारा, उसे कहते हैं ट्विंकलिंग, पलक झपकना बोलते हैं ट्विंकलिंग। आप सब समझ सकते हैं कि पलक कितने देर के लिए झपकता है, उस समय कितना कम होता है, हमें समझ में भी नहीं आता है। उस समय आंख बंद हुई, खुल गया, पता भी नहीं चलता है हमें, तो उसको कहते हैं पलक झपकना या ट्विंकलिंग ऑफ आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई। सो यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया है, इससे अधिक समझ में आएगा। राम सॉल्व्ड द पजल, पजल मतलब पहेली। राम ने पहेली सॉल्व किया इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते ही, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। पहेली सामने आया और उसका आंसर सामने भी आ गया, इसको बोलते हैं पलक झपकते ही सॉल्व कर देना। नाउ टेक द बुल बाय हॉर्न, साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। अब देखिए टेक मतलब सामना करना मान लिया, बुल बाय हॉर्न, पहले बुल का सामना करना। तो बुल का सामना करना मतलब क्या है, एक मुसीबत है। बुल तो हमसे बहुत बलिष्ठ होते हैं और उनका सामना करना पड़ना है, पर सामना करना है मतलब मुसीबत है, तो मुसीबत का सामना करना तो हो गया। अब बाय हॉर्न का मतलब क्या है, अब अगर हम बुल का बाय हॉर्न, उसका सिंह पकड़कर, हॉर्न मतलब सिंह,
अगर हम सांर का सिंह पकड़ते हैं तो वो उसे लड़ना कहते हैं, क्योंकि सिंह पकड़कर सांर को हम परास्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बूल से भाग नहीं रहे, कुछ और भी नहीं कर रहे, हम उससे लड़ तो रहे ही हैं, मुसीबत का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन साहस पूर्वक कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मुसीबत से हम जीत भी जाएं, पार निकल भी जाएं। यही होता है टेक द बुल बाय हॉर्न, साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। टेकिंग द बुल बाय हॉर्न विंस लॉरेल्स, मतलब उस साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना ख्याति दिलाता है, जो सामना करता है उसे ख्याति मिलती है। नाउ नीप इन द बड, नीप इन द बड का मतलब है प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। पहले आप समझिए, बड, बड की हिंदी होती है कली। कली, आप फूल खिलने से पहले कली, आपने देखा होगा कली में ही फूल खिलता है। सो नीप इन द बड, नीप मतलब मसल देना, कुचल देना, मसल देना। तो नीप इन द बर्ड मतलब कली में ही मसल देना, कुचल देना होता है। क्या है हिंदी इसका, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, शुरू में ही खत्म कर देना। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक कर देंगे, तुरंत दूर कर देंगे, तो उसे कहेंगे नीप इन द बर्ड, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को रहने देंगे, बार बार आपके सामने आते रहेगा, वो आपको परेशान करेगा और आपका काम नहीं करने देगा, तो ये समस्या होगी। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, समस्या का सामने आते ही उसका निदान निकाल देते हैं तुरंत, और उसे कहते हैं नीप इन द बर्ड, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए नक्सलिज्म, आप जानते हैं नक्सलिज्म का मतलब होता है नक्सलवाद, नक्सलवाद आधा क होता है। तो नक्सलिज्म मस्ट बी निप्ट इन द बर्ड, नक्सलवाद को प्रारंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। ये है, तो इस तरह से हमने पूरे पांच, पहला ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, दूसरा विन लॉरेल्स ख्याति पाना, यहाँ पे है इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई पलक झपकते ही, टेक द बुल बाय हॉर्न साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, नीप इन द बर्ड प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, पांच इडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट किया है, समझा है, आशा है आप सबको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।